बहुत समय पहले की बात है कि जापान में एक सम्राट अपने राजकुमार को धर्म में दीक्षित करना चाहता था। उसने पूरे देश में खबर फैलाई कि कोई है जो राजपुत्र को धर्म में दीक्षित कर सके। एक बूढ़े व्यक्ति को इसके बारे में पता चला। किसी जंगल में एक 80 वर्ष का बूढ़ा है जिसका दावा है कि वो आपके पुत्र को धर्म में दीक्षित कर सकता है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत हैं। उसकी पहली शर्त तो ये है कि धर्म की दीक्षा में धर्म की कोई शिक्षा वो नहीं देगा, वो शिक्षा देगा किसी और बात की। राजपुत्र को उसके इशारों पर चलना होगा। कितने दिन में यह शिक्षा पूरी होगी इसके लिए भी कोई सीमा बंध ही नहीं जा सकती, कितना भी समय लग सकता है। राजकुमार शिक्षा अधूरी छोड़कर भी वापस नहीं जा सकेगा। अब ये सारी शर्तें सम्राट ने मंजूर कर ली और राजकुमार को वृद्ध गुरु के पास भेज दिया गया। उस वृद्ध गुरु ने राजकुमार को कहा, कल सुबह से तेरी परीक्षा का पहला पाठ शुरू होगा और पहला पाठ यह है कि मैं कल सुबह किसी भी समय तेरे ऊपर लकड़ी की तलवार से हमला करूंगा। कल सुबह से ये हमले शुरू होंगे और दिन में किसी भी समय जाने अनजाने में मैं तेरे ऊपर हमला करूंगा। तो हमेशा सावधान रहना, रक्षा के लिए ढाल संभाल के रख ले। राजकुमार ने कहा, मैं तो धर्म सीखने आया हूँ, तलवार सीखने नहीं। उसके गुरु ने कहा, ये तुझे जानने की जरूरत नहीं कि तू क्या सीखने आया है, ये मुझे जानने की जरूरत है कि क्या सिखाना है। धर्म की ही यह शिक्षा है, लेकिन मेरा रास्ता कुछ ऐसा ही है। यह बाद में ही पता चल सकेगा कि धर्म तक तू पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं तो तुझे तलवार चलाना ही सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर का अनुभव तुझ में डालने का प्रण लिया है। और याद रख, खतरे में ही मनुष्य जागता है। खतरा नहीं होता तो कोई आदमी जागता नहीं। तो मैं तेरे लिए खतरे पैदा करूंगा ताकि तू जाग सके। तो उस वृद्ध ने राजकुमार को कहा कि मेरे पास अब तू आ गया है तो अब सब असुविधा पैदा करूंगा, सब खतरे पैदा करूंगा, सब खतरे खड़े करूंगा ताकि तू सो न पाए। और एक बार तुझे जागने का अनुभव हो जाए तो फिर दुनिया में कोई कितना ही कोशिश कर ले तो खुद भी सोना न चाहेगा। दूसरे दिन से पाठ शुरू हो गया। बड़ा अजीब पाठ था। राजकुमार किताब पढ़ रहा था, पीछे से हमला हो जाएगा। राजकुमार भोजन कर रहा है और पीछे से उसकी कमर पर लकड़ी की तलवार आ पड़ेगी। 7 दिन में उसकी हड्डी हड्डी दुखने लगी, लेकिन रोज रोज उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर सजगता व सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 घंटे उसे चौकन्ना रहना पड़ता है। हमला कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण, कुछ पता नहीं, पहले से कोई सूचना नहीं मिलती। वो झाड़ू लगा रहा है गुरु की झोपड़ी में, गुरु ने पीछे से आकर हमला कर दिया। वो खाना खा रहा है, हमला हो गया। वो किताब उठाने जा रहा है, हमला हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब हमला हो जाएगा। 3 महीने बीतते बीतते गुरु के लिए हमला करना मुश्किल हो गया। हमला होता है और उसके हाथ, उसका मन इतना सजग है कि तत्काल हमले से रक्षा कर लेता है। 3 महीने बीतते बीतते उसने अनुभव किया कि कोई एक अजीब बात उसके भीतर पैदा हो रही है। विचार कम होते जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ती जा रही है। और स्मरण रखें, जितने ज़्यादा विचार होंगे जागरूकता उतनी ही कम होगी, जितनी जागरूकता ज़्यादा होगी उतने ही विचार कम होंगे। विचार और जागरूकता विरोधी बातें हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं होती हैं। उसका चित्त विचारों से छीन और कम होता जा रहा है और उसका चित्त सावधानी से भरता जा रहा था। वो हर समय होश से अमूर्छित अर्थात जागा हुआ है। 3 महीना होने पर उसके गुरु ने कहा कि तेरा पहला पाठ अब पूरा हो गया है, कल से तेरा दूसरा पाठ शुरू होगा। उस युवक ने कहा, दूसरा पाठ कौन सा है गुरुदेव? गुरु ने कहा, कल से मैं अब नींद में भी हमला करूंगा, तू सोया हुआ है और हमला हो जाएगा। उस युवक ने कहा, जागने में फिर भी गनीमत थी, लेकिन नींद में मैं सोया हुआ हूं और आप हमला कर देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हमला कर रहे हैं, और नींद में मैं कैसे सावधान रहूंगा? तब उस वृद्ध गुरु ने कहा कि घबरा मत,
जल्दी मत कर, जितनी चुनौतियां खड़ी होंगी चेतना उतना ही ज्यादा जागती है, जितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं उतना ही ज्यादा तू सचेत हो जाएगा, तू नींद में भी जागना सीख जाएगा। वृद्ध गुरु ने आगे कहा, घबरावत, मैं तो चुनौती खड़ी करूंगा ही ताकि तुम्हारी चेतना को आखिरी दम तक जगाया जा सके। अब कल से नींद में हमला शुरू हो जाएगा, अब तुम अपनी चिंता मत करना। मजबूरी थी, बीच में भाग भी नहीं सकता था। उधर 3 महीने में एक अनुभव भी हुआ था, वो अनुभव भी बड़ा अद्भुत था। अब उस युवक ने सोचा कि थोड़ी चोटें ही सही, अद्भुत अनुभव हुआ था इन 3 महीनों में। उसके चित्त में एक बहुत अजीब शांति आ गई थी जिसे वो कभी नहीं जानता था। उसकी अंतर्दृष्टि गहरी हुई थी जितने उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसकी चिंता विलीन हो गई थी, उसके मन की समस्याएं खत्म हो गई थी और उसके मन में तो सिर्फ एक जागने का भाव भर अवशिष्ट रह गया था। रात को भी हमला शुरू हो गया। रात को सो रहा है और लकड़ी की तलवार से हमला हो जाता था। फिर 7-8 दिन उसकी हड्डियां दुखने लगी, जगह जगह चोट, लेकिन रोज रोज नींद में भी उसे अनुभव होने लगा कि कोई ख्याल रखे हुए है कि हमला ना हो जाए। नींद में भी मन का कोई कोना जाग रहा है कि हमला हो सकता है। नींद में भी एक हिस्सा जागा हुआ रहने लगा। अगले 3 महीने पूरे होते होते उसका दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया। नींद में भी उसके हाथ हमले से रक्षा करने लगे। अब नींद में भी जब उसके ऊपर हमला होता, अपने आप उसके हाथ उठते और हमले को रोक लेते। अब उसके गुरु ने कहा कि तेरा दूसरा पार्ट पूरा हो गया और तू दूसरे पार्ट में भी उत्तीर्ण हुआ है, कल से तेरा तीसरा पार्ट शुरू होगा। उस युवक ने कहा, अब तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, जागना सोना दोनों में तो हमला हो गया। उसके गुरु ने कहा, कल से असली तलवार से हमला शुरू होगा। अभी तो लकड़ी की तलवार थी, अब चुनौती असली खड़ी होगी। अभी चुनौती नकली थी, अभी सिर्फ हड्डियों पे चोट लगी थी, अब प्राण भी जा सकते हैं, अब प्राणों तक तलवार छिद सकती है। एक बार भी चूके तो जिंदगी खो जाएगी, कल से असली तलवार आएगी। उस युवक ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं अब, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार असली है या नकली है। अगर नकली तलवार के प्रति मैं सावधान रहता हूँ और रक्षा कर लेता हूँ तो असली तलवार के प्रति भी मैं रक्षा जरूर कर लूँगा। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं घबराया हुआ नहीं। दूसरे दिन से असली तलवार का हमला शुरू हो गया। वह युवक प्राणों की बाजी पे खड़ा है, किसी भी क्षण मौत आ सकती है। ऐसी स्थिति में कोई सो सकता है भला, सपने देख सकता है भला, कोई अतीत और भविष्य में जा सकता है भला, एक क्षण भी यहाँ वहाँ चित्त का जाना जीवन का अंत कर सकता था। 3 महीने बीतने को आ गए, असली तलवार ने उसके भीतर असली चेतना को भी जगा दिया। 3 महीना पूरा होने में शायद 1 दिन और बचा था। गुरु ने उससे कहा, 1 दिन और है, तेरी परीक्षा पूरी हो जाएगी, फिर अंतिम पाठ रह जाएगा चौथा पाठ, और यह चौथा पाठ मैं तुझे जल्दी ही सिखा दूंगा, क्योंकि 3 पाठ जो जान लेता है उसे चौथे पाठ को जानने में देर नहीं लगती। आखिरी दिन शेष था, वह युवक एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और उसका गुरु दूर 100 फुट के फासले पर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। 80 वर्ष का वृद्ध उसकी पीठ युवक की ओर थी। युवक के मन में एक ख्याल आया कि बूढ़ा 24 घंटे मुझे चेतावनी सजगता चुनौती में रखता है, देखता हूं वो खुद भी इतना सावधान है या नहीं, आज मैं भी क्यों ना इसके पीछे से हमला करके देखो, मैं भी तो देखूं उस पर हमला करके वो खुद को भी इतना सावधान रखता है या नहीं जितना मुझे सावधान रहने को कहता है। उसने ये सोचा ही था कि वो बूढ़ा गुरु वहां से चिल्लाया, बेटा ऐसा मत कर। युवक हैरान हो गया, उसने कहा, मैंने भी कुछ नहीं किया, केवल सोचा था। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? उस बूढ़े ने कहा, मैं बूढ़ा हूं,
ऐसा मत कर बैठना। उस युवक ने कहा, आप कैसे कहते हैं, मैंने तो केवल सोचा। उस युवक ने कहा, तो थोड़ी देर और ठहर जा, चौथा पाठ पूरा हो जाने दे। जब चित्त पूरा सावधान होता है तो दूसरों के विचारों की पगध्वनियां भी सुनाई पड़ने लगती हैं, और उसी दिन चित्त उस संवेदना को उपलब्ध हो जाता है जिसमें परमात्मा की पगध्वनियां भी सुनाई देने लगती।